हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि आपका हो जाता है रिपोर्ट। रिपोर्ट बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आखिर रिपोर्ट होती क्या है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन। देखिए, जो वर्ड रिपोर्ट है उसका मतलब होता है टू कैरी बैक, मीन्स पीछे चले जाना, यानी कि पास से रिलेटेड। जो रिपोर्ट हम बनाकर तैयार करते हैं उसका मीनिंग ही यही होता है, टू कैरी बैक, यानी कि पीछे की कोई भी एक समरी बनाकर तैयार करना। रिपोर्ट जो एक वर्ड है, वो वर्ड आपका लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड रिपोर्टेरे नाम से आया है, जिसका मतलब होता है टू कैरी बैक, यानी कि पीछे चले जाना। एक रिपोर्ट वो डिस्क्रिप्शन होता है, वो रिटन स्टेटमेंट होती है, जो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद तैयार की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे एम्प्लॉयज एकदम से रिजाइन देकर जा रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक रीज़न होगा। अब उस रीज़न को पता लगाने के लिए या फिर उस रीज़न को एनालाइज करने के लिए आप क्या बनाकर तैयार करते हैं? आप एक रिपोर्ट बनाकर तैयार करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, उस सिचुएशन को एनालाइज करके सॉल्यूशन पाने के लिए हम क्या बनाते हैं? हम रिपोर्ट बनाकर तैयार करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे बोला जाता है रिपोर्ट। यानी कि जो एक रिपोर्ट होती है वो एक डिस्क्रिप्शन होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या रीज़न हुआ था, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब होती हैं। रिपोर्ट हेल्प करती है सारी चीज़ों को, सारी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए उस पर्सन के सामने भी, जो उस टाइम पर, उस सिचुएशन के टाइम पर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, उसे बोला जाता है रिपोर्ट। सो रिपोर्ट क्या कहलाती है? रिपोर्ट एक स्टेटमेंट होती है जो कि डिस्क्राइब करती है कि क्या हुआ था। रिपोर्ट का मेन फोकस होता है पास्ट के डेटा पर। एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है, पास्ट के सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को एनालाइज किया जाता है, उसके बाद पर्टिकुलर रिकमेंडेशन दिए जाती हैं, सजेशन दिए जाती हैं कि इस सिचुएशन में ये सॉल्यूशन उसका निकल सकता था, वो आपकी कहलाती है रिपोर्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रिपोर्ट का मीनिंग क्या होता है। देख लेते हैं, अ रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ सर्टेन रीजन। कोई भी एक जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसका पर्टिकुलर एक रीज़न होता है। अभी रिसेंट का एग्जांपल लेते हैं, कोविड-19 आया था। सो कोविड का पता कैसे चला? जब लोगों को फीवर होने लगा या फिर डिफरेंट सिम्टम्स दिखने लगे, तो उसके लिए प्रॉपर रिसर्च हुई, यानी कि रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट में पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आए, रिकमेंडेशन आई, जिसे बोला जाता है रिपोर्ट। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक डिस्क्रिप्शन बनाकर तैयार करते हैं, रिपोर्ट बनाकर तैयार करते हैं। उनके पास में डेटा होता है कि अगर आपको फीवर है तो आपकी बॉडी गर्म होगी, ये वो डेटा कलेक्ट करते हैं कि इनका फीवर इतने तक है, ये टेम्परेचर है, तो वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट बनाकर तैयार करते हैं, फिर आपको जो है पर्टिकुलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि वो अपने रिकमेंडेशन देते हैं, उसे बोला जाता है रिपोर्ट। रिपोर्ट वो डॉक्यूमेंट है जो कि एक सर्टेन रीज़न, एक सर्टेन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बनाकर तैयार करी जाती है। एक फॉर्मल वे होता है कम्युनिकेशन का रिपोर्ट। अ रिपोर्ट ड्राइव्स कॉन्क्लूजन एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर द डेटा कलेक्टेड एंड इवेल्युएटेड। मीन्स जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, जो भी डेटा आपने इवेल्युएट करा है, उसके बेसिस पर आपको रिकमेंडेशन और सजेशन प्रोवाइड करती है एक रिपोर्ट। एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया था कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी इम्प्लॉयज़ लीव कर जा रहे हैं, रिज़ाइन देकर जा रहे हैं, तो आपके पास एक पर्टिकुलर सिचुएशन है कि वो रिज़ाइन दे रहे हैं, आप डेटा कलेक्ट करेंगे, उस डेटा को इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद आप अपने रिकमेंडेशन एंड सजेशन प्रोवाइड करेंगे। सो वो किसकी हेल्प से हुआ? रिपोर्ट की हेल्प से। रिपोर्ट का मीन्स क्या होता है? टू कैरी बैक, यानी पास्ट में चले जाना। पहले के रिपोर्ट हमेशा पास्ट के लिए बनाई जाती है, पास्ट के डेटा के लिए बनाई जाती है, और फ्यूचर में उसके रीज़न को, उसकी रिकमेंडेशन को, उसके सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अ रिपोर्ट कन्वे अ रियल मैसेज एंड इट इज़ नॉट रिजल्ट ऑफ सम इमोशनल आउटलेट। देखिए, रिपोर्ट में जो भी सॉल्यूशन दिए होते हैं, जो भी रिकमेंडेशन दिए होते हैं, वो रियल सिचुएशन पर बेस होते हैं, रियल डेटा पर बेस होते हैं,
वहाँ पर कोई भी इमोशनल आउटलेट नहीं होता, मीन्स रिपोर्ट बायस नहीं होती। एक पर्टिकुलर रिपोर्ट का करेक्टरिस्टिक्स यही होता है कि कोई भी रिपोर्ट बायस नहीं होनी चाहिए। आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी रिपोर्ट बनाकर तैयार करेंगे। आई होप आपको अच्छे से रिपोर्ट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। देखिए, रिपोर्ट आपको पता चल गई क्या होती है, अब उस रिपोर्ट को राइट करना और राइट इस पर्टिकुलर फॉर्म में करना कि वो अनबायस्ड हो, डेटा पर बेस्ड हो और प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, उसे बोला जाता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग की मैं अनदर वीडियो बनाऊंगी, आज हम केवल ये समझने वाले हैं कि रिपोर्ट क्या होती है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कोई भी रिपोर्ट बनने का या फिर बनाने का क्या पर्पस होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिपोर्ट के बनाने के। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है टू इवेल्युएट इम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। देखिए, अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है तो सबसे बेस्ट उसके लिए आपका वे हो जाता है रिपोर्ट बनाकर तैयार करना। देखिए, रिपोर्ट में हम हर एक एम्प्लॉय को कंपैरिजन करेंगे, हर एक एम्प्लॉय का कंपैरिजन करेंगे, जो भी उन्होंने टास्क परफॉर्म किए हैं उनकी प्रॉपर समरी बनाकर तैयार करेंगे, जिससे हमें काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट इज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑल्सो द सजेस्ट वे टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है और वो अच्छा कर सकता है, तो आप उनको रिकमेंडेशन, सजेशन भी देते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। सो ये मेन पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है रिपोर्ट राइटिंग का। नेक्स्ट आपका हो जाता है टू हेल्प इन डील विद चेंजेस इन बिजनेस। देखिए, बिजनेस एक डायनेमिक प्रोसेस है, डिफरेंट डिफरेंट आपके चेंजेस आते रहते हैं, कुछ चेंजेस पॉजिटिव होते हैं और कुछ चेंजेस नेगेटिव होते हैं। सो उन चेंजेस में भी अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और वो आप केवल कर सकते हैं रिपोर्ट की हेल्प से। क्यों? क्योंकि आपके पास में पर्टिकुलर डेटा अवेलेबल है, आपको पता है कि आपको उस डेटा का कैसे यूज़ करना है। सो आप जो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होने वाले हैं आपके बिजनेस में, आप उनसे भी डील कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, मेन करेक्टरिस्टिक्स या फिर पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव हो जाता है एक रिपोर्ट का कि वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिस भी पर्टिकुलर एरिया में आप रिसर्च कर रहे हैं या फिर जिस भी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उसके इन्फॉर्मेशन, उसके डेटा, उसके रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है आपकी रिपोर्ट। वेरियस एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, इट्स प्रोसेस, plans and problem etc. are highlighted through the information given in the report. देखिए, जो भी information given होती है report में, वो highlight करती है various problem को जो कि आपकी organization में चल रही है और उस problem का, उस plan का proper solution भी provide करती है आपकी report, जो कि work करती है as a information, means आपके पास में information होती है related to problem, related to situation. नेक्स्ट आपका पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव हो जाता है टू हेल्प इन कंट्रोलिंग। देखिए, रिपोर्ट की हेल्प से आप कंट्रोल कर सकते हैं, रिपोर्ट की हेल्प से आपके पास में डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कैसी रही आपको ऑलरेडी पता होता है। सो अगर उनकी परफॉर्मेंस बियॉन्ड द लिमिट है, आप उनकी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने के लिए, मोर इफेक्टिव बनाने के लिए रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मीन्स जो आपने एक्सपेक्टेड किया था, अगर चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं तो रिपोर्ट की हेल्प से आप उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं, आप उन्हें इवेल्युएट भी कर सकते हैं। ये बेसिक पर्पस हो जाता है रिपोर्ट का। एंड नेक्स्ट पर्पस हो जाता है रिपोर्ट का टू हेल्प कोऑर्डिनेटिंग। देखिए, रिपोर्ट हेल्प करती है कोऑर्डिनेशन बनाने में। आपके पास सारा डेटा अवेलेबल होता है, आपको पता होता है कि आपको कैसे अपने टारगेट को अचीव करना है, रिपोर्ट से आपको काफ़ी सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं, आपके पास में पास्ट का डेटा भी होता है जिसकी हेल्प से आप कोऑर्डिनेशन बनाकर अच्छे से अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पर्पस हो जाता है रिपोर्ट का टू फैसिलिटेट रिकॉर्ड कीपिंग। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिपोर्ट आप हमेशा पास्ट के डेटा से बनाते हैं या पास्ट के सिचुएशन पर बनाते हैं डेटा कलेक्ट करके, तो आपके पास में रिकॉर्ड ऑलरेडी कीप हो जाता है, रिकॉर्ड ऑलरेडी मेंटेन हो जाता है, जो कि आपके फ्यूचर में हेल्प करने वाला है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। तो ये सभी पॉइंट्स थे, पर्पस थे, ऑब्जेक्टिव्स थे रिपोर्ट राइटिंग के।
आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्ट क्या होती है। रिपोर्ट बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है, एक डिस्क्रिप्शन होती है, जो कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होती है। वो बनाई जाती है पास्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड, पास्ट की सिचुएशन से रिलेटेड, और आपको हेल्प करती है फ्यूचर में कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपके पास में ऑलरेडी डिफाइंड डेटा अवेलेबल करती है। अब उस रिपोर्ट को लिखना, मेंटेन करना, प्रॉपर फॉर्म में बनाना, उसे बोला जाता है रिपोर्ट राइटिंग। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।